कुआं नाला से अतिक्रमण हटाया जाना आसान नहीं था, लेकिन इसे संभव कर दिखाया एक शख्स ने, जिसने छपरा शहर को जल जमाव से मुक्ति एवं खलुआ नाला के सफाई को लेकर एजीटी में वाद दायर किया और उसका अंजाम आज आपके सामने है। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने विंग कमांडर के रूप में 22 वर्षों तक देश की सेवा की और अब 70 वर्ष की उम्र में पेंशन की राशि से देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन वह कोई राजनेता या समाजसेवी नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बीएनपी सिंह से। वास्तव में देखा जाए तो मुगल कालीन से माना जाता रहे और ये खनुआ नहर के रूप में था। आज एनजीटी के आदेश पर 286 दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया है, जिसमें 2 दुकानें विगत दिनों तोड़ी गई और 20 दुकानें आज तोड़े जाने का काम अभी चल रहा है। इसके विषय में आपसे जानकारी चाहिए। खनुआ नाला का निर्माण कोई 1680 के आसपास में हुआ था, जबकि राजा कोडरमल ने इस शहर के जल निकासी तथा सिंचाई हेतु एक नाले का निर्माण किया गया था। इसका नाम खनुआ इसलिए था कि शायद ये किंवदंती है कि उन्होंने इस एरिया में पैसे छीट दिए और लोगों को कहा कि इसे खोद करके पैसे ले जाओ, इसीलिए इसका नाम खनुआ नाला। यह नाला शहर को 2 भाग में विभक्त करता है। इसका दक्षिण का हिस्सा घाघरा नदी में रूपगंज के पास मिलता है। ये रूपगंज से नाला का दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ से तिरकोनिया तक का पानी घाघरा में जाता था। तिरकोनिया से उत्तर का जितना पानी था वो या तो रामनगर चंवर में जाता था या दरियावां चंवर में जाता था। रामनगर चंवर में जाने के लिए जो नाला था वो तिरकोनिया से सीधा मौना चौक होते हुए साढ़ा ढाला जाता था, वहाँ रेलवे पुल के नीचे से पानी का प्रवाह होकर के उस पार ईदगाह गांव में एक नाला था जो रामनगर नाले में जाता था। तिरकोनिया से खनुआ नाले का जो दूसरा हिस्सा है वह कलेक्ट्रेट के पीछे, सिविल कोर्ट के पीछे, कलेक्ट्रेट के पीछे होते हुए बी सेमिनरी स्कूल होते हुए यह पटना छपरा सिवान रोड को के नीचे से गुजर के पटेल छात्रावास के बगल से होते हुए रेलवे नाला रेलवे पुल 44 के द्वारा पार करके यह नाला दहियावां चौर में चला जाता है। यह हुआ खनुआ नाले का विस्तार और संक्षिप्त विवरण। सर, एक आज जैसे कि खनुआ नाला से अतिक्रमण और अवैध दुकानों को हटाया जा रहा है, इसका श्रेय कम्प्लीटली आपको जाता है क्योंकि आपने ही इस केस को पिटीशन डाला था, ठीक है? नहीं, इस मैं आपके इन बातों से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि मैं एनजीटी में ये कहा कि अगर शहर को बचाना है तो इस नाले को बचाना है। माननीय एनजीटी ने और ये हमने जरूर बताया एनजीटी को कि इस नाले का जब तक वास्तविक ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा तब तक इस शहर का आज के दिन में, जिसे कोर्ट में भी मैं बताया कि आज के दिन में शहर का 1 मिलीलीटर पानी शहर के बाहर नहीं जाता है, अन्ना 1 ग्राम पूरा शहर के बाहर जाता है। तो माननीय हरित प्राधिकार ने ये एनजीटी ने ये आदेश दिया कि खनुआ नाले को ओरिजिनल शेप में लाया जाए और इसके ऊपर जितने भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। तो श्रेय तो लेना उचित मैं नहीं कहूँगा, मैंने एक अपने नागरिक के तौर पे अपना समझा, ये मेरी ड्यूटी है और हम इस मुद्दे को, खनुआ नाला की मुद्दे को एनजीटी ले गए। ये न्यायालय का आदेश है, इसमें हमें न तो कुछ जोड़ना है न कुछ घटाना है। फिर भी आपका योगदान सारणवासी मान रहे हैं, इसके लिए मैं क्या कहूँ, धन्यवाद ही कहूँगा।
और मैं सबसे ये राय दूंगा कि ये जो मसले हैं नगर पालिका का, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई मैं राजनीतिक पार्टियों का नाम क्या, इसमें बीजेपी और क्या है जेडीयू, ये घर का सफाई है। इसमें क्या राजनीति आप खोज रहे हैं, घर के राजनीति कर, साफ सफाई में कहाँ से राजनीति आ जाती है, ये तो घर का सफाई का बात है। और वेल यही मैं कहूँगा कि हमने वो एक नागरिक का जो ड्यूटी होता है, जो मेरा अपना कर्तव्य है, वो मैं किया। शहर में लोगों को बहुत परेशानी थी, जल जमाव था, 3-4 महीने जिंदगी अस्त व्यस्त रहती थी। मैंने एक बुजुर्ग आदमी के हैसियत से NJT गया, उससे आवेदन लगाई, आदेश आया, फलस्वरूप जो हो रहा है। और अगर नाले के ऊपर बना है घर तो टूटना ही चाहिए, मेरा तो यही कहना है।